आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। या दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर ओवैसी ने कोर्ट पर बोला हमला, कोर्ट की तारीख का बताया काला दिन, कहा क्या जादू से गिर गई बाबरी मस्जिद। इस बीच दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हाथरस रेप कांड को लेकर योगी की बड़ी मुश्किलें, सड़कों पर उतला दलित समाज, वहीं योगी के जलाए दलित समाज ने पुतले, तो अनन फनन में योगी ने पीड़ित परिवार से की बात, 25 लाख रुपए घर और एक सरकारी नौकरी देने का योगी ने कर दिया ऐलान। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सभी आरोपियों के बरी होने से कांग्रेस हुई नाराज, बोली मस्जिद तोड़ने के लिए क्या पाकिस्तान से आए थे लोग, इसलिए जांच एजेंसियां नहीं जुटा पाई सबूत। जहां दोस्तों बड़ा हमला बोला है कांग्रेस ने। इस बीच दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आरजेडी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग हो गई फाइनल, बिहार में आरजेडी 160 तो कांग्रेस 65 सीटों पर लड़ेगी बिहार में चुनाव। जहां दोस्तों गठबंधन में सीट फाइनल हो गई है। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर पाकिस्तान ने मोदी सरकार की निंदा, कहा कोर्ट हिंदुओं के पक्ष में मुसलमानों पर कर रहे हैं अत्याचार, सुना रहे हैं उनके खिलाफ फैसला, पाकिस्तान का बड़ा बयान अयोध्या को लेकर। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि मोदी की बड़ी मुश्किलें, उद्धव ठाकरे से तगड़ा झटका, उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कृषि बिल लागू करने के फैसले पर लगाई रोक, कहा नहीं होगा अब महाराष्ट्र में कृषि बिल लागू, मोदी को तगड़ा झटका महाराष्ट्र से। इस बीच दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी पर बोला हमला, कहा कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपा रहा है भारत, भारत में है अमेरिका से भी ज्यादा कोरोना। जा दोस्तों बड़ा हमला डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी पर बोला है, तो सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत और मोदी सरकार पर बोला हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सभी 32 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने बेइज्जत कर बरी कर दिया। अब इसी फैसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट की तारीख का काला दिन बताया है। ओवैसी ने कहा कि सारी दुनिया जानती है बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। इस मस्जिद तोड़ने की कांग्रेस पार्टी जड़ है, इनकी हुकूमत में मूर्तियों को मस्जिद में रखा गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी नेताओं ने कोर्ट के बाहर स्वीकार किया कि हाँ बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और हमें बाबरी मस्जिद तोड़ने पर गर्व है, तो वहीं कोर्ट के अंदर इनको बेइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये बहुत ही चौंकाने वाला फैसला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अब भारत के कोर्टों से मुसलमानों का विश्वास उठ चुका है और हम अब कोर्ट की बात को नहीं मानेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर इस मामले की सुनवाई कराएंगे। यानी असदुद्दीन ओवैसी ने अब सीधा ऐलान कर दिया कि वह अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो मिठाइयां बांटी जा रही थी और कोर्ट कह रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से मस्जिद नहीं गिराई गई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये फैसला कोर्ट का बिल्कुल गलत है और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अब असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हाथरस कांड को लेकर पूरे देश में उग्र हुआ विरोध प्रदर्शन, योगी की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि हाथरस रेप कांड को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां योगी पर हमला बोल रही हैं, तो वहीं अब पूरे देश से महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा
नैनीताल समेत सभी जगह महिलाओं ने योगी के खिलाफ इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और योगी के पुतले फूके हैं, जिसके बाद योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि हाथरस गैंग पीड़िता के परिवार से आनन फनन में योगी आदित्यनाथ ने बात की है और 25 लाख रुपए घर और एक सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ज्यादा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हाथरस के पीड़ित परिवार से वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की और उन्होंने दोषियों को सख्त सजा दिलाने का भरोसा दिया और कहा है कि 25 लाख रुपए की इस परिवार की मदद की जाएगी और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ ही एक घर भी दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के केस में सभी आरोपियों के बरी होने से कांग्रेस नाराज। कांग्रेस बोली, मस्जिद तोड़ने वाले क्या पाकिस्तान से आए थे? जय दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया और सभी 32 आरोपियों को बेइज्जत बरी कर दिया। अब इसी फैसले को लेकर जहां बीजेपी नेता और कार सेवकों में खुशी है, तो वहीं कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने कहा है कि 28 सालों तक अराजक तत्वों को जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई क्या मस्जिद को तोड़ने के लिए पाकिस्तान से लोग आए थे, जो कि जांच एजेंसियां 28 साल तक कोई भी सबूत बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में नहीं जुटा पाई, तो ये बड़ा हमला कांग्रेस ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली खबर की ओर, तो बिहार चुनाव में महागठबंधन में फाइनल हो गया सीट शेयरिंग का मुद्दा। राजद को मिली 140 तो कांग्रेस लड़ेगी 60 सीटों पर बिहार में चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से एनडीए में सीट को लेकर फूट पड़ी हुई है और गठबंधन भी इसी को लेकर अटका हुआ था, इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजद और कांग्रेस का महागठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो गई है। वहीं अगर हम सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि महागठबंधन में जो तस्वीर सीट शेयरिंग को लेकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक राजद बिहार में 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन के साथ 60 से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं लेफ्ट 20 से 25, बीआईपी 5 से 8 और झमुमो 3, सपा 2 सीटों पर चुनाव बिहार में गठबंधन के साथ लड़ेगी। तो ये नया सीट शेयरिंग का मुद्दा सामने आया है क्योंकि कांग्रेस को राजद 50 सीट दे रही थी, जिसे कांग्रेस ने लेने से इनकार कर दिया था और कांग्रेस की 80 सीटों की मांग थी, लेकिन अब राजद ने 80 नहीं बल्कि 60 से 65 सीटें दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। इसी बीच बट दो अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सभी आरोपियों के बरी होने पर पाकिस्तान ने भारत की निंदा। कहा, भारत में मुसलमानों का हो रहा है उत्पीड़न। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बेइज्जत बरी कर दिया। अब इसी को लेकर पाकिस्तान ने भारत की मोदी सरकार पर हमला बोला है और कोर्ट के फैसले की निंदा की है। पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जा रहा है, हम पहले ही कह रहे थे कि मोदी सरकार आने के बाद वहां पर मुसलमानों का अत्याचार हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है और कोर्ट भी अब भारत का मुसलमानों का साथ नहीं दे रहा है और हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना रहा है। तो ये पाकिस्तान ने कड़ी निंदा की है भारत के कोर्ट की और कहा कि मोदी के हाथ और हिंदुओं के हाथ कोर्ट भारत के अब बिक चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने कहा है कि भारत की मोदी सरकार मुसलमानों के धर्म स्थलों की सुरक्षा करे। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी को तगड़ा झटका। कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे ने नए कृषि कानून को लागू करने पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र की महाविकास अखाड़ी गठबंधन की सरकार ने बुधवार को मोदी के नए कृषि कानून को लागू करने के पिछले माह के अपने फैसले को वापस ले लिया है और इस फैसले पर रोक लगा दी है और कहा कि अब कृषि बिल महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला
कांग्रेस की कैबिनेट मीटिंग के बहिष्कार की धमकी के बाद दिया है। हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पहले से ही हाल ही में लागू हुए कृषि सुधार बिल को लागू करना चाहती थी, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के विरोध के बाद कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कृषि बिल लागू करने पर रोक लगा दिया। तो तगड़ा झटका महाराष्ट्र से मोदी को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से कोरोना को लेकर मोदी को तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मोदी पर हमला, कहा कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को छिपा रहा है भारत। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन से मंगलवार को हुई बैठक के दौरान कोरोना महामारी के मुद्दे पर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत की मोदी सरकार कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को छिपा रही है और पूरी दुनिया और देश को नहीं बता रही कि भारत में कोरोना महामारी से कितनी मौतें हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन पर भी हमला बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और चीन पर भी आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है और कहा है कि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े रूस और चीन भी छुपा रहे हैं। तो ये तगड़ा झटका मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उस वक्त कौन से हम जानते हैं।